फ्रेंड्स, आज है मेरे किचन में नया एडिशन और ये है अगारो का एयर फ्रायर। 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ ये कंप्लीट कुकिंग कंपेनियन बहुत ही अमेजिंग सा एक प्रोडक्ट है। तो आज हम देखेंगे कि आप एयर फ्रायर का यूज कैसे कर सकते हैं और इसमें इसका इस्तेमाल करके आप क्या क्या डिशेस बना सकते हैं, साथ ही इस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करेंगे। तो आप इसमें जो भी चीजें जैसे नगेट्स, फ्राइड्स वगैरह को डीप फ्राई करके बनाते हैं, उन सबको आप इसमें एयर फ्राई कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें बना सकते हैं पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, फिश टिक्का या फिर आप कोल्ड चिकन को भी इसमें ग्रिल कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें पिज्जा बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, इवन आप इसमें केक भी बेक कर सकते हैं। आप इस एयर फ्रायर में 90% फैट फ्री खाने को बना सकते हैं। जो भी आप डीप फ्राई चीजें करते हैं तो उन्हें आप बिल्कुल फैट फ्री बिना ऑयल के आप इसमें बना सकते हैं। आप इसका लुक भी देख सकते हैं और काफी 12 लीटर का होने के बावजूद ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आप इसे अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हो और बहुत ज्यादा ये स्पेस भी नहीं लेता है। तो इसमें जो आपको मिल जाता है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक डिजिटल LED पैनल मिलता है, जिससे आप अपने कुकिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपके डिशेस हैं उसमें आप जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे 9 कुकिंग मेन्यू मिल जाते हैं, इसी के साथ 3 कुकिंग फंक्शन भी आपको मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो इसमें टेम्परेचर का भी बटन दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपने टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो डिश आप जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अपने यहाँ पे डिश के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस से आप इसमें 220 तक का टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिश के अकॉर्डिंग। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टाइमर वाला बटन भी मिल जाता है, जहां से आप अपने डिश के अकॉर्डिंग टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1-90 मिनट तक का टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे प्री हीट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो प्री हीट जो फंक्शन है उससे जब आप बेकिंग करते हैं, यानी कि केक या मफिन्स वगैरह आपको बनाने हैं या पिज्जा बनाना है इवन, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्री हीट कर सकते हैं इसे पहले से। और जब आपको यहाँ पे कोई भी डिश को बेक करना है तो प्री हीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्री हीट को आप यूज करके यहाँ पे बेकिंग इसमें कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 9 कुकिंग मेन्यूज दिए गए हैं उसमें हमें मिल जाता है फ्रेंच फ्राइज वाला मेन्यू। तो आप डायरेक्टली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर इसमें दिखा रहा है। फिर उसके अगर आपको चाहिए थोड़े ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो टाइम को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही पिज्जा, प्रॉन्स, फिश और ऐसे काफी सारे आपको यहाँ पर इसमें मेन्यू मिल जाते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे सैंडविचेस बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, रोटिसरी मोड भी आपको इसमें दिया गया है जिसमें आप कोल्ड चिकन को भी यहाँ पे रोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ फ्रूट्स हैं उनको अगर आपको ड्राई करना है या आपको यहाँ पे नट्स को कुछ ड्राई करना है, फ्रूट्स अगर आपको एकदम ड्राई वाले चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे रोटेसरी फंक्शन भी दिया गया है, जिस टाइम पे जब भी आपको कुछ टिक्का वगैरह बनाया है उसे रोटेसरी मोड पे या फिर जो बास्केट में अगर आप कुछ यहाँ पे एयर फ्राई कर रहे हैं उसे रोटेसरी मोड पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और टेम्परेचर को भी आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं रोटेसरी मोड ऑन करने के बाद। डिजिटल टच पैनल के साथ काफी अमेजिंग एयर फ्रायर है ये। और अगर आप देखें तो इसका जो ग्लास दिया गया है वो भी यहाँ पे टिंटेड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो जिसकी वजह से आप अपनी कुकिंग को यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी बन रहा है आप उसे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग साइज में दिया गया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो इसमें आपको इस तरीके की बड़ी सी साइज की एयर फ्राइंग बास्केट मिल जाती है, जिसका साइज काफी अच्छा है। इवन इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी थी और काफी बड़ी साइज की बास्केट आपको उसमें मिल जाती है। इस बास्केट का आप यूज एयर फ्राइंग के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें इस तरीके की रोटेटिंग बास्केट मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इवन साइज भी काफी बड़ा है। इसमें आप कुछ भी एयर फ्राई कर रहे हैं तो उसपे इवनली कलर आएगा, क्योंकि ये रोटेट होते रहता है ये बास्केट। तो आप इसमें नगेट, फ्रेंच फ्राइज को भी आराम से एयर फ्राई कर सकते हैं। और इसे हैंडल करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का एक हैंडल मिल जाता है, जिससे जो भी आप बास्केट है, ये जो हमारी रोटेटिंग बास्केट है, इसे लगाने के लिए या फिर इसे बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल है ये। साथ ही आपको इस तरीके का स्क्यूअर रैक मिल जाता है, जिसमें आप काफी सारी क्वांटिटी में पनीर टिक्का, चिकन टिक्का या फिर फिश टिक्का वगैरह को इसमें यहाँ पे इस तरीके से लगा के आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी दी गई है और काफी बड़ी साइज का है ये भी। इसमें काफी क्वांटिटी में आप यहाँ पे पनीर टिक्का वगैरह बना सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका इस्तेमाल करके आप पनीर टिक्का कैसे बना सकते हैं, साथ ही आप चिकन टिक्का, फिश टिक्का या फिर आप इसमें चिकन वगैरह को ग्रिल भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो हैंडल हमें दिया गया है उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से इसे भी बाहर निकाल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं।
इसी के साथ आपको यहाँ पे दो मैश ट्रे मिल जाती हैं, जिसमें आप काफी सारी बेकिंग कर सकते हैं इस ट्रे का यूज करके, और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। साथ ही आप इसमें पिज्जा बना सकते हैं, या फिर जैसे आप केक वगैरह बेक कर रहे हैं तो उसका जो टिन होगा उसे भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप इसे यहाँ पे कुकीज बनाने के लिए भी या बिस्किट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी दी गई, काफी अच्छी साइज में आपको ये मैश ट्रे दो मिल जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके, जैसे आपको केक टिन वगैरह को रखना है तो आप इसके ऊपर रख कर यहाँ पर इसमें अपने केक को या मफिन को भी इसमें बेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे ड्रिप ट्रे मिल जाता है, यानी कि क्रम ट्रे मिल जाती है इस तरीके की। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जब आप यहाँ पे इसमें कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं तो उसका जैसे ऑयल होगा या फिर उसके जो छोटे छोटे क्रम होंगे वो इस पे नीचे गिर जाएंगे, तो आप इसे निकाल के आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्रम ट्रे भी इस तरीके का मिल जाता है। साथ ही आपको इस तरीके का हैंडल मिलता है, जिससे जो आपकी बास्केट है, यानी कि जो यहाँ पर एयर फ्राई वाली बास्केट है जिसमें आप एयर फ्राई कर रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए या फिर उसे रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे रोटेसरी फोक मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे होल चिकन वगैरह को अगर आपको रोस्ट करना है, या फिर आपको बड़े साइज के पनीर, या फिर आपको यहाँ पे फिश वगैरह को रोस्ट करना है, उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर होल चिकन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी सी ग्रिप मिल जाती है, काफी अच्छी क्वालिटी का ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं और इसे बाहर निकाल सकते हैं। दो आपको यहाँ पे इस तरीके के मिट्स मिल जाते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बहुत ही यूजफुल चीज है। इसी के साथ आपको यहाँ पे अगारो का एक मैनुअल मिल जाता है डिजिटल एयर फ्रायर का, जिसे आप और भी अच्छे से इसे समझ सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसमें रेसिपी बुक भी दिया गया है अगारो डिजिटल एयर फ्रायर का। इसमें काफी सारी रेसिपीज दी गई है, जिसमें से आप देख कर इसमें से काफी सारी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा इसमें ये रेसिपी बुक भी आपको इसके साथ यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अब बना लेते हैं बहुत ही मजेदार से ये नगेट्स। तो यहाँ पे मैं रोटेटिंग जो बास्केट है उसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी कि आप नगेट्स को कैसे बना सकते हैं और इस बास्केट का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो साथ ही अगर आप चाहें तो नगेट्स को जो हमें यहाँ पे एयर फ्राइंग वाली बास्केट दी गई उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। तो मेरी ये फ्रोजन नगेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ। तो हम वैसे इसे डीप फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं आज इस एयर फ्रायर में, तो बस हल्का सा ऑयल मैं इस पे ब्रश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बिना ऑयल के भी इसे बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें हल्का सा ऑयल इस पे ब्रश किया है और इसे मैंने डाल दिया है यहाँ पे जो रोटेटिंग बास्केट है, और इस तरीके से यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। और चलिए अब हम इसे रख लेते हैं हमारे एयर फ्रायर में कुछ इस तरीके से। तो जो हैंडल दिया गया है इससे हम इस तरीके से इसमें लगा लेंगे और ये हमारी बास्केट गई एयर फ्रायर में। और अब यहाँ पर हम टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे कर रही हूँ एयर फ्राई। और यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो जो मेरे नगेट्स हैं वो काफी छोटी साइज के हैं, तो सिर्फ 12 मिनट का मैं टाइमर यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ इसे। और यहाँ पे ये जो रोटेसरी फंक्शन हमें दिया गया है इसे हम ऑन कर देंगे, जिससे ये रोटेट होता रहेगा और बढ़िया से चारों तरफ से इस पे बढ़िया सा कलर आएगा और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हमारे नगेट्स बन के तैयार होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये 12 मिनट में हमारे नगेट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ड्रिप ट्रे अगर आप देखें तो नीचे, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे क्रम्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, जो भी इसमें से क्रम गिरे हैं तो वो उस पे गिर गए हैं। और ये मजेदार इन पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है। तो यहाँ पे जो ये नगेट्स थे मेरे छोटी साइज के थे, तो 12 मिनट लगे। अगर आपके नगेट्स या जो भी आप फ्राई कर रहे हैं वो बड़ी साइज के हैं तो उनपे थोड़ा सा आपको 18 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर हम क्रिस्पी सा बढ़िया सा ब्रेड पिज्जा बना लेते हैं। तो मैंने ब्रेड के ऊपर पिज्जा सॉस लगा दिया, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज डाल दी, थोड़ा सा पनीर और थोड़ी सी सब्जियां डाल के मैंने यहाँ पे इसे बना लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैश ट्रे थी हमारी उसमें मैंने यहाँ पे ये ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसे एयर फ्रायर में रख देंगे और यहाँ पर अब हम इसका जो टेम्परेचर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप इसमें से टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो पिज्जा वाला इसमें मेन्यू दिया गया मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम फिर टाइम सेट कर देंगे, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे बढ़िया से ये 5 मिनट में बेक होकर तैयार हो जाएगा हमारा ब्रेड पिज्जा। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये पिज्जा वाला मोड हमने सिलेक्ट किया है, तो 180 डिग्री टेम्परेचर इस पे हो गया है सिलेक्ट। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देते हैं। 5 मिनट में बढ़िया से हमारी चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और देखिए हमारा ये ब्रेड पिज्जा इंस्टेंट अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से बेक होकर तैयार है। आप देख सकते हैं जैसे हम नॉर्मल ओवन में बेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका लुक आया है, बहुत ही अच्छे से चीज मेल्ट हुई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इस पे कलर आया है, चीज काफी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और एकदम ब्रेड है वो भी काफी अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। तो बहुत ही मजेदार ये हमारा ब्रेड पिज्जा तैयार है। यहाँ पर मैंने पनीर टिक्का को, जो हमारा स्क्यूअर वाला रैक था उसमें पनीर टिक्का लगा दिया है। पनीर टिक्का की डिटेल्स रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे रखने के बाद हम इसका टेम्परेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे रोटेसरी मोड पे सिलेक्ट किया है,
190 डिग्री टेम्परेचर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 12 मिनट के लिए हमारे पनीर टिक्का को बढ़िया से यहाँ पे कुक होने देंगे। तो ये रोटेसरी मोड ऑन करने से जो आपका पनीर टिक्का है उस पर इवनली कलर आएगा, इवनली वो अच्छे से यहाँ पे बढ़िया सा रोस्ट होगा। तो 12 मिनट में हमारा पनीर टिक्का भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इन पे कलर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो इस तरीके से आप इसमें काफी सारी चीजें बना सकते हैं। 12 लीटर की लार्ज कैपेसिटी के साथ कंप्लीट कुकिंग कंपेनियन आपको मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग अगारो का ये एयर फ्रायर है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसमें और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, इसमें कैसे बनाई जाती है, तो मुझे कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो परचेस करने की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका लुक भी बहुत अमेजिंग है। अपने खाने को बिल्कुल फैट फ्री और एकदम हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इसे परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एयर फ्रायर है ये। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ इसमें शेयर किया है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है। इसके बारे में अगर आप और भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।